नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और लेकर आया आप लोगों के लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। तो इस वीडियो में आ गया है मेरे पास इस बॉक्स में एक 3x3 रूबिक क्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा 3x3 क्यूब एज अ मेन यूज करते हो। तो मैं यूज़ करता था एक शेंगशू स्टिकरलेस क्यूब, जिस क्यूब से मेरी एवरेज टाइमिंग थी वो 15-18 सेकंड्स थी। तो मैंने सोचा कि अब इस टाइमिंग को थोड़ा और रिड्यूस किया जाए, जिसके लिए चाहिए था मुझे एक एडवांस स्पीड क्यूब। तो नेट पर काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ने के बाद एंड काफ़ी वीडियोज़ देखने के बाद मुझे ये पता चला कि जो बेस्ट क्यूब्स अवेलेबल है मार्केट में वो है गैन 3x3, वॉक 3 एंड मोयू अलोंग क्यूब। तो बहुत लोगों के पर्सनल मेन को देखते हुए, बहुत लोग अच्छे अच्छे क्यूबर के पर्सनल मेन को देखते हुए, मैंने इस मोयू अलोंग क्यूब को क्यूब लीलो से ऑर्डर किया था, जो कि आज मेरे सामने इस बॉक्स के अंदर बंद है। तो आइए करते हैं अब इस क्यूब की अनबॉक्सिंग। तो ये रहा मेरा इसका इनवॉइस। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ये था फ्रॉम क्यूब ले लो, एंड इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोयू अलोंग V2 3x3 ब्लैक बेस, एंड इसका कोस था 719। तो जब भी मैं ऑर्डर करता हूँ क्यूब ले लो, तो मुझे इसी बॉक्स में आता है। मेरा ये 6x6 क्यूब भी इसी बॉक्स में आया था विद सेम रैपिंग। तो ये रहा मेरा 3x3 क्यूब मो MoYu, मोयू इसका ब्रांड है एंड अलोंग इसके नेम है 3-layer मैजिक क्यूब। ओके, यहाँ पे इसका स्टिकर लगा हुआ होगा क्यूब ले लो का, एंड ये रहा 3x3 क्यूब। बाकी आगे पीछे इसमें चाइनीज में लिखी हुई है www.moyucubes.com। बाकी इधर भी चाइनीज में, बाकी सब कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। ओके, तो अब मैं खोलता हूँ उस क्यूब को, बाकी सब चाइनीज में इसमें है। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा क्यूब। तो काफ़ी लोग, काफ़ी रिव्यूअर्स जो हैं वो मेंशन करते हैं कि कैसा दिखता है क्यूब, मतलब क्या होती है उसकी स्पेसिफिकेशंस आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जब वो होता है ब्रांड न्यू। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना इजीली रोटेट हो रहा है, एक फ्लिक में ये दो रोटेशंस ले रहा है एंड काफ़ी स्मूथ लग रहा है मुझे तो अभी ये। तो मैं डेफिनेटली इस क्यूब के ऊपर भी रिव्यू करूँगा, आपको बताऊँगा इसके सभी प्रोज एंड सभी कॉन्स, आपको ये क्यूब खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके सभी स्पेसिफिकेशंस कभी सभी क्वालिटीज़ को आपको बताऊँगा मैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास था एक शेंगशू का स्टिकरलेस क्यूब, जिससे मैंने काफ़ी बिगिनर्स मेथड पर ट्यूटोरियल्स बनाई थी। तो अब मैं डेफिनेटली आप लोगों को सिखाऊंगा CFOP मेथड अपने इस क्यूब से, आप लोगों को सिखाऊंगा। तो काफ़ी एडवांस मेथड होता है ये 3x3 क्यूब को सॉल्व करने का, जो कि बहुत ही बड़े बड़े क्यूबर जो है उनका टाइमिंग बहुत ही कम है, वो इसी मेथड का यूज़ करते हैं क्यूब को सॉल्व करने के लिए। तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा CFOP मेथड पर ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आया वीडियो ये पसंद, तो प्लीज़ करिए इस वीडियो को लाइक एंड नीचे बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि और किन क्यूब्स का मैं बना सकता हूँ, अपने वीडियो में इंक्लूड कर सकता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेफिनेटली करूँगा इस क्यूब का रिव्यू एंड बनाऊँगा इस पे क्यूब CFOP ट्यूटोरियल्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।